अभी छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को 4 जिले बने हैं, उससे मोला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, भिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ है। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से जिले 4 बड़े, बहुत अच्छी बात है। 4 जिले बड़े हैं, प्रशासन का काम बटा है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की राजनीति और गुटबाजी सामने आ रही है, उसकी सुगंध आ रही है। मोला मानपुर जो जिला बना है, उसमें लगातार मोला मानपुर, खुज्जी और चौकी में लगातार विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कल सुने हैं कि खुज्जी जो अभी राजनांदगांव जिले में मोला मानपुर और चौकी पड़ता था, उसमें आपस में स्थानीय नेताओं का विरोध चल रहा है। हमारे साथ में इस विषय में बात करने के लिए कि जो गुटबाजी चल रही है और जो विरोध चल रहा है, क्या ये राजनीतिक गुटबाजी का और आपसी रंजिश का परिणाम है। हमारे साथ कमलेश स्वर्णकार जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सत्यदूत संदेश के संपादक हैं और राजनांदगांव जिला पत्रकार संघ में जिला नांदगांव जिला पत्रकार महासंघ में भी जिला अध्यक्ष है और छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन में प्रदेश उपाध्यक्ष है। ये पहले छात्र राजनीति में थे और राजनीति के बाद इनको पत्रकारिता अच्छा लगा, जिससे लोगों की सेवा कर सके, हम उनसे बात करते हैं। कमलेश भाई, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार भाई साहब। ये छत्तीसगढ़ में 4 जिले बने हैं, लेकिन सबसे विवादित जिला होते जा रहा है और बनते जा रहा है मोला मानपुर, जो है वो जो जिला है, नक्सल इलाका भी है, वो लगातार लगातार विवादित होते जा रहा है। विधायक और दो गुटों की, कांग्रेस के दो जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनके गुटों की लड़ाई हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि चौकी जो है एक डेवलप इलाका था, मोला मानपुर वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारे नक्सली कांड हुए। मोहला में तो वो भी हुआ था, जो कोरकट्टी कांड था, जो 12 जुलाई 2009 को हुआ था, वो संवेदनशील इलाका है। वहां पे जिला चूंकि चौकी को जोड़ा गया है आज मोला मानपुर के साथ, तो आपका क्या कहना है कि जो जिस तरीके से ये गुटबाजी आपको लग रही है, क्या कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है दो मुख्यमंत्री की, क्योंकि उसमें जो खुच्ची की विधायक है उनके जन्मदिन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी आए थे और आप समझ रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में राजनीति और मुख्यमंत्री का दांव चल रहा है, और 10 दिन से सिंहदेव जी दिल्ली में थे लेकिन उनसे आला कमान नहीं मिला है। तो बताइए क्या कहना है। पहले तो मैं दो जो गुट है मैं बोलूंगा कांग्रेस में, ये ही कारण है क्या जो मानपुर मोला चौकी जो जिला है, जो लोगों को खुशी मनाना था तो वहां आपसी लड़ाई झगड़े 15 अगस्त के जैसे स्वच्छ दिन और शुद्ध दिन से हो रहा है, बताइए। देवाशीष जी, कल से मुझे भी ये खबर आ रही थी कि मोहला मानपुर की जैसी घोषणा हुई है तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव बाबा, जो दो प्रमुख कद्दावर नेता है छत्तीसगढ़ के, वो दोनों की गुटबाजी के चलते ये मानपुर में जो पुतला दहन, जो कार्यकर्ताओं में आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की जो बातें आ रही है वो बिल्कुल सच्चाई है। और कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है सबसे मजे की। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए हैं, जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। और वो दोनों कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छन्नी साहू स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बहुत करीबी मानी जाती है, उनके कद को भी ऐसा मुझे लगता है कि छोटा करने का कुछ प्रयास उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। क्योंकि जिस हिसाब से कल उनके सरकार में खुद उन विधायक का पुतला दहन होना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कांग्रेस के लिए। और अभी एक सहकारी बैंक के अध्यक्ष है जो नवाज खान, उनका भी पुतला दहन हो गया, ऐसी खबर। हाँ, जबकि नवाज खान को वहां पे जाने का कोई अभी अधिकार बनता ही नहीं है,
वो उनका अभी कोई मतलब जिले के कोई बड़े पद में भी नहीं है, लेकिन वो जा करके कार्यकर्ताओं के बीच क्या ऐसा हुआ कि नवाज खान का भी पुतला जलाना पड़ गया और छन्नी साहू का भी पुतला जलाया गया, ये मेरे को समझ से बाहर हुआ है। मैं आपको दो बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम पत्रकारिता में है तो आपको भी ध्यान है कि जब नवाज खान जिला अध्यक्ष थे तो उनको हटाने के लिए मुहिम चली थी, उसमें छन्नी साहू सबसे आगे थी। हाँ, और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस विषय में क्या ये वही रंजिश निकल रही है, और क्या जो ऊपर गुटबाजी चल रही है उसी कारण मोला मानपुर और चौकी जो है वो आपसी रंजिश का सामना कर रहा है? देखिए, चौकी जिला मुख्यालय का सबसे सुरक्षित ब्लॉक है, नगर पंचायत है, और वहां पर इस टाइप की जो गुटबाजी हो रही है वो मेरे को समझ से परे है कि ऐसी गुटबाजी मेरे को खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे का पुतला दहन करना और हस्तक्षेप करना, केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान का वहां पे हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए था। वो क्यों हो रहा है, उनका क्या उद्देश्य है, किस कारण से ऐसा कर रहे हैं, वो आप भी जान रहे हैं, वहां के लोग भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि पुरानी रंजिश को लेकर कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का करना कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में बहुत ही अच्छी बात नहीं रहेगी। आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी 2018 के पहले, तो उस समय शिवदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जय और वीरू बोला जाता था। जय और वीरू इतने दूर हो गए हैं कि एक जिला के निर्माण पे और वहां की स्थिति और जिला मुख्यालय के नाम पर भी अब गुटबाजी चल रही है। बिल्कुल सही कहना है, ये दोनों के संबंध में आपस में अभी एक साल से कुछ ज्यादा ही मतलब तनाव दिखना चालू हुआ है सरकार में। ये तो इंटरनल मामला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री का के बीच क्यों ऐसी स्थिति आ पड़ी जिसके कारण स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा से टीएस बाबा को छोड़ के जाना भी पड़ा। हाँ, जाना विधानसभा छोड़ के जाना पड़ा, और उसके बाद आज भी नाराजगी देखने को लगातार मिल रही है और वो दिल्ली में डटे हुए हैं। दिल्ली में नारे लगे हैं। तो क्या ये कांग्रेस की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है? जिस तरीके से गुटबाजी तो चली रही है अंदरूनी और जो भी चल रहा है, आप बिलासपुर में ध्यान होगा कि जो वहां के विधायक हैं पांडे जी, उनको उनके ऊपर गाली गलौच मारपीट टाइप का हुआ था, तो उनको उन्हीं के कार्यकर्ता कर दिए थे, तो उनको पार्टी से बहुत मेहनत से बाहर निकाला गया था जो उनके साथ बदतमीजी किए थे। तो ये लगातार कांग्रेस के साथ बात हर जिले से आ रही है। बिल्कुल सही कहना है, तीन चार कांग्रेस के विधायकों के साथ उनके ही कार्यकर्ताओं ने आपस में गुटबाजी करके उनको अपमानित किया है, और जैसे कार्रवाई करना चाहिए, अनुशासन बिल्कुल कमजोर है। अगर कार्रवाई करते इनके विधायक ऊपर उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस टाइप का अपमान करना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब कमलेश जी, एक बात है ना, हम चौकी मानपुर का समर्थन कर रहे हैं, ना ही हम खुजी का समर्थन कर रहे हैं, ना ही हम मोला का समर्थन कर रहे हैं कि मुख्यालय वहां बने, लेकिन नक्सली हिसाब से जिस तरीके से नक्सली गतिविधियां हैं और विकास है और जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, 25-25 किलोमीटर का अंतर है, तो आपको क्या लगता है जो जिला होना चाहिए वो चौकी होना चाहिए कि मानपुर होना चाहिए? नक्सली दृष्टि से मैं पूछ रहा हूं। मुझे याद है कि 20-25 साल हो गए चौकी जिला बने करके वहां के पूरे कार्यकर्ता लोगों ने लगातार 20-25 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, और आज उसी का नतीजा है ये जो पुतला दहन और ये जो आपस में जो गुटबाजी और ये जो लड़ाई झगड़ा दिख रही है, सिर्फ उसका बहुत बड़ा कारण ही है, क्योंकि चौकी में कम से कम ऐसा 100 एकड़ ऐसा सुरक्षित है, ऐसा मुझे पता चला है, मतलब जिला मुख्यालय बनने के हिसाब से, और वहां पे मोहला मानपुर में नक्सल गतिविधियां
इंटरनली रूप से बहुत ही खतरनाक है, वहां पे अगर मान लो जिला बनता है तो कोई भी बड़ी घटना को ये नक्सली अंजाम भी दे सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि चौकी सबसे सुरक्षित होगा जिला मुख्यालय के लिए। तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या ये विधायक की भी तो लड़ाई नहीं है कि मानपुर को मुख्यालय बना के छन्नी को डाउन किया जाए और उसकी जगह दूसरा विधायक लाया जाए? बिल्कुल सही कहना है, ये जो चल रहा है ये मुख्य रूप से विधायिका, तेज तर्रार विधायिका जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और जमीन की नेता है छन्नी साहू, आज उसके कद को सही में कम करने के लिए या छोटा करने के लिए या उनकी राजनीति को समाप्त करने का ये षड्यंत्र खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे, ये मुझे समझ में दिख रहा है। ये मेरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि उनके षड्यंत्र है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये हो गया है कि प्रदेश में अब कोई भी जिला बनेगा तो वहां आपसी कार्यकर्ताओं की लड़ाई होगी। हमने बहुत सारे जिले बनते देखे हैं कमलेश जी, लेकिन ऐसा विरोध हम कभी नहीं महसूस किए। हाँ, क्योंकि ये इसलिए महसूस नहीं हुआ कि विपक्ष के लोग, क्या सिर्फ छन्नी साहू अब कारण बन रही हैं क्योंकि वो दूसरे गुट की चहेती हैं इसलिए उनको चौकी मुख्यालय नहीं मिला? सही कहना है, वो दूसरे गुटबाजी के चलते ही वो षड्यंत्र का शिकार हो रही है, जबकि सही मायने में देखा जाए तो चौकी जैसा सुरक्षित जिला मुख्यालय और मेरे को तो मेरी नजरों से नहीं लगता कि मोला मानपुर सही रहेगा। चलिए, आपने हमसे बात की कमलेश जी और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने पूरा, आप राजनीति और छात्र राजनीति और पत्रकारिता में आप रहे हैं, आपने प्रकाश डाला, बात करने के लिए धन्यवाद कमलेश जी। जी धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष बोल रहा हूँ। 15 तारीख को राजनांदगांव जिले से एक अलग जिला बनाया गया जिसका नाम मानपुर मोहला था, जिसके बाद चौकी में सर्वप्रथम विरोध हुआ क्योंकि चौकी में जिला निर्माण समिति 30 सालों से काम कर रही थी, लेकिन चौकी से लगे ब्लॉक में मोला मानपुर को जिला बना दिया गया, जिसके बाद काफ़ी चौकी में विरोध हुआ और एक दिन 24 घंटा होते होते रात तक 16 तारीख की शाम रात तक जो मोला मानपुर में चौकी को भी जोड़ दिया गया। इसमें बहुत बड़ी राजनीति नजर आ रही है। जब जिला चौकी को जोड़ा गया तो आप समझ सकते हैं कि चौकी छुरिया की विधायक जो छन्नी साहू है वही उस समिति में सीएम भूपेश बघेल से मिल लेने की थी, दूसरे नेता नवाज खान के नेतृत्व में गए थे और चौकी को जोड़ दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी राजनीति भी चल रही है क्योंकि चौकी छुरिया की जो विधायक है छन्नी साहू, उनको जो है इनका टीएस बाबा का समर्थक माना जाता है, तो ये गुटबाजी छन्नी साहू की राजनीति खत्म करने के लिए बहुत ऊपर लेवल पे चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं जिला पत्रकार संघ, जिला पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष कमलेश मणकार से और पूरा विस्तार से बात करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले मिला होता तो मैं और रिट पेश करेंगे हम हाई कोर्ट में, चाहे शासन माने ना माने, और ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़ी जाएगी। जहां तक लड़ना होगा, जितना पैसा लगेगा, जितने वकील लगेंगे, हम करेंगे और अपनी मांग को मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। ऐसा नहीं तो हमारे साथ
विश्वास है कि क्षेत्र की जनता अपनी नहीं और अपने मान और बाजू नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए ख़रीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता अधिकारी व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए, क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और e-business रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ में खबरों और मीडिया e-business में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300007662। हमारे व्हाट्सएप 9200003100 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष।